दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वा कल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, होप सब स्वस्थ है और मस्त हैं। दोस्तों मैं अपने सीड बैंक जो मेरा पतला वाला फार्म है वहाँ पे मेरे कुछ 20 टैंक्स हैं 6 मीटर डाया के, जिनको मैं डेडिकेटेडली एज ए सीड बैंक यूज़ करता हूँ आजकल मरल और फंगेसिस के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, अगर कोई मरल कल्चर कर रहा है उसके लिए मैं कुछ 3-4 बेसिक टिप्स बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे किसान भाइयों और एंटरप्रेन्योर की क्वेरी आई कि उन्हें मरल का प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जो भी भाई हाई वैल्यू फिश पालना चाहता है, चाहे वो मरल हो, सिंगी हो, देसी मांगूर हो, पापदा हो, कोई भी हाई वैल्यू फिश जो टेंटेटिव 350-450 प्राइस होलसेल प्राइस है या फार्म गेट प्राइस है, वो सबसे पहले अपनी मार्केट को थोड़ा स्टडी करे, अपनी नियरेस्ट मंडी को स्टडी करे कि उसके यहाँ पे कितना कंजप्शन हो रहा है और कितनी मंडी में फॉल है फिशेस का, चाहे वो लाइव फिश हो चाहे डेड फिश हो। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा, मैंने 2 से 3 ग्राम का सीड स्टॉक किया था, अभी एवरेज 25 से 30 ग्राम कुछ मछलियाँ और ज़्यादा बड़ी हैं। दोस्तों अगर आप मरल मछली के बारे में सीड बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, कैपेसिटी प्लानिंग, वाटर यूटिलाइजेशन, पानी की कैरिंग कैपेसिटी। अगर आपका किसी भी एक्स मीटर डाया का आपका रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, तो टोटल आपको वाटर वॉल्यूम पता होना चाहिए और 20 से 25 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो इंडियन आरएसएस हैं वो भी सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो 20 से 25 केजी 1000 लीटर पानी में आपको बायोमास बड़ा करना है, ये आपका हार्वेस्टेड साइज है, ये आप एकदम आप की फैक्टर मान लीजिए अगर आपको अपना हेल्थी डिजीज फ्री गुड क्वालिटी का सीड डेवलप करना है। तो ये सिंपल है, आप अपनी अर्थमेटिक से कैलकुलेशन कीजिए आपको कितना सीड स्टॉक करना है। दूसरा, जो अगर जिनके यहाँ पे वाटर एक्सचेंज फैसिलिटी है वो कोई भी सैनिटाइजर्स वाटर प्रॉपर्टी के पैसे खराब ना करें। मैंने टैंक्स में सैनिटाइजर भी यूज़ करके देखा है और केवल वाटर एक्सचेंज करके देखा है। तो वाटर एक्सचेंज अगर फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है और जो भी अंदर आपका पानी में वेस्ट क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि हाई प्रोटीन दाना खाती है तो उसी रेशो में अमोनिया भी बहुत ही शूट होता है और वही वाटर आप एक्सचेंज कर दे रहे हो डे में हार्डली 20 से 25% 24 आवर्स में, तो मछलियाँ फीड इनटेक भी अच्छा करती हैं, ग्रोथ भी अच्छी लेती हैं। ये मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छा। दूसरा, जैसे कि हर मछली में शूटर्स होते हैं, ऐसी कैटफिश मरल में भी शूटर्स होते हैं, तो आप पीरियोडिकली जब तक वो 100-150 ग्राम की ना हो 15 डेज 20 डेज में एक बार ग्रेडिंग या तो ग्रेडिंग नेट ले लीजिए, अदरवाइज आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं कि किन फिश का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मतलब वो सुपर ग्रोथ हो रही है, आप उनको निकाल के अपने एक सेपरेट टैंक में स्टॉक कर दीजिए। ग्रेडिंग भी आप रेगुलर रखिए, अदरवाइज आप हम बाद में कह दें कि हमारे ने स्टॉक 100 की थी मिली 50 है तो हमारी इल्ड खराब हो गई, हमारा सक्सेस अच्छा नहीं रहा। तो उसका मेन कारण क्या रहता है कि क्योंकि हाईली कैनिबलिज्म रहता है इस मछली में, तो वो बाकी मछलियों को कैप्चर कर लेती है। तो ग्रेडिंग तीसरा, और चौथा, जब भी आप हाई प्रोटीन फीड यूज़ कर रहे हैं तो उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो, उसके लिए किसी भी अच्छी कंपनी का गट प्रोबायोटिक विद विटामिन सी रेगुलर ऐड करें। ये 4 बातें बहुत ही बेसिक्स हैं किसी को भी अगर मरल की नर्सरी मैनेजमेंट करना है। अच्छी फिश है, हार्डी मछली है, कॉस्टली मछली है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है, इसीलिए उसका कल्चर करने से पहले अपनी मार्केट को स्टडी करें और तभी उसका कल्चर करें। अगर आपने कल्चर कर लिया और आप सेल नहीं कर पाए तो अगेन आप बहुत ही स्ट्रेस में आ जाएंगे। मैंने अपनी बाकी सारे टैंक्स मेरे अभी रेडी हो गए हैं, सीड ऑन द वे है, तो जैसे सीड आएगा तो सब में फंगेसिस और मरल सीड स्टॉक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जाने फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।